हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 सितंबर से विधेयक 743 पूछेंगे प्रश्न। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदन में इस बार आपदा की गूंज रहेगी। अब तक विधायकों ने 743 प्रश्न लगा लिए हैं। हाल ही में राज्य में भारी वर्षा और प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थिति, सरकार की ओर से आपदा से निपटने के लिए किए गए प्रयास, सड़कों की दयनीय स्थिति और स्वीकृत सड़कों की DPR जैसे विषयों पर विधायकों ने विधानसभा सचिवालय को प्रश्न भेजे हैं। प्रदेश में महाविद्यालयों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों आदि को स्तरोन्नत करने, विभागों में रिक्त पदों की पदपूर्ति, पर्यटन, उद्यान, पेयजल की आपूर्ति, युवाओं में बढ़ते नशे के प्रयोग की रोकथाम, बढ़ते आपराधिक मामलों, सौर ऊर्जा और परिवहन व्यवस्था पर भी कई प्रश्न हैं। यह जानकारी राज्य विधानसभा सचिवालय में पत्रकार वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दी। पठानिया ने कहा कि प्रदेश की 14वीं विधानसभा का यह तीसरा सत्र 18 से 25 सितंबर तक होगा। इस सत्र की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 2 बजे होगी। उस दिन पूर्व विधायक स्वर्गीय खूबराम को श्रद्धांजलि देते हुए शोकोद्वार होगा। इसमें 7 बैठकें होंगी। 23 सितंबर को शनिवार के दिन भी यह सत्र होगा। 21 सितंबर का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री बोले, आपदा प्रभावितों को निःशुल्क LPG किट और राशन देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत व सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निःशुल्क घरेलू रसोई गैस कनेक्शन किट और राशन देने का निर्णय लिया है। आपदा की मार झेलने के बाद किराए के मकानों में रह रहे लोगों को संबंधित जिला नियंत्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और खाद्य निरीक्षक वितरण सुनिश्चित करेंगे। निःशुल्क राशन की सुविधा 31 मार्च 2024 तक मिलेगी। प्रभावितों को एक LPG सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हॉट प्लेट, सुरक्षा पाइप मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कदम से प्रभावित परिवारों को बिना वित्तीय बोझ के खाना पकाने समेत अन्य सुविधाएं मिलेंगी। राशन पैकेज में 20 किलोग्राम गेहूं आटा, 15 किलोग्राम चावल, 3 किलोग्राम दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर सोया रिफाइंड तेल, 1 किलोग्राम डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलोग्राम चीनी शामिल है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, 2 छात्राओं समेत 6 वरिष्ठ प्रशिक्षु निष्कासित, 25-25 हजार जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जूनियर प्रशिक्षुओं के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। प्रबंधन ने रैगिंग के आरोप में 2 छात्राओं समेत 6 वरिष्ठ प्रशिक्षुओं को हॉस्टल में 6 माह और शैक्षणिक सत्र से 3 माह के लिए निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा इन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 15 सितंबर को मामला संज्ञान में आने के बाद मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच के बाद शनिवार को यह कार्रवाई की है। 12 सितंबर की रात को MBBS 2022 बैच के वरिष्ठ प्रशिक्षु देर रात को 2023 बैच के नए छात्रों के हॉस्टल में घुसे और उनसे परिचय और पूछताछ की। इसी तरह 14 सितंबर की रात को कन्या छात्रावास में भी कुछ वरिष्ठ प्रशिक्षुओं ने यही किया। करीब 20 नए प्रशिक्षुओं के साथ रैगिंग हुई। शुक्रवार 15 सितंबर को मामला सामने आया और शनिवार को एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। जांच में 6 वरिष्ठ प्रशिक्षु रैगिंग में संलिप्त पाए गए। हाल ही में IIT मंडी में भी सीनियर प्रशिक्षुओं की ओर से जूनियर के साथ रैगिंग का मामला सामने आया था। मीट एंड ग्रीट के बहाने जूनियरों की रैगिंग की थी। IIT प्रबंधन ने 72 सीनियर प्रशिक्षुओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। 10 प्रशिक्षु दिसंबर 2023 तक शैक्षणिक व छात्रावास से निष्कासित हैं। मणिमहेश यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार रावी नदी में गिरी, 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार रावी नदी में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसा शनिवार देर शाम भरमौर पठानकोट हाईवे पर गेहरा के समीप सिंधुआ के समीप हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई। DSP जितेंद्र चौधरी ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतकों के शवों को रावी नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे हैं। कालिक पोतने के मामले में आरोपी थाने में तलब, पुलिस ने की पूछताछ। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना भोरंज के तहत एक विवाहिता के बाल काटने, उसके मुंह पर कालिक पोतने और गांव में घुमाने के आरोप में नामजद 5 आरोपियों को पुलिस ने भोरंज थाना में तलब किया। पुलिस ने पीड़िता की सास और 4 अन्य आरोपियों से पूछताछ की और उनके बयान कलमबद्ध किए। जमानती धाराओं में मामला दर्ज होने के चलते आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस ने वारदात के दौरान महिला के कटे बाल और इस्तेमाल की कैंची को कब्जे में लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने उन जगहों का भी निरीक्षण किया जहां जहां से महिला को गांव में बाल काटने और मुंह पर कालिक पोतने के बाद घुमाया गया था। पुलिस ने ग्रामीणों से भी इस मामले में पूछताछ की है।
पुलिस को पीड़ित महिला ने बताया कि 31 अगस्त 2023 को जब वह घर में पहुंची तो सास समेत चार लोगों ने उसके साथ झगड़ा किया। इस दौरान उसके बाल काटे गए और मुंह पर कालिक पोतकर उसे गांव में सरेआम घुमाया गया। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति ने उसे थप्पड़ भी मारा, लेकिन उसने पुलिस में शिकायत नहीं दी। शुक्रवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने पीड़ित से संपर्क किया। एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंडर 19 गर्ल्स टूर्नामेंट में 5 बार विजेता रही टीम को हरा रजाना स्कूल ने किया ट्रॉफी पर कब्जा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवामानल के प्रांगण में अंडर 19 छात्रा वर्ग की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शनिवार को तीसरा दिन रहा, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खेल प्रभारी मधु पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में 22 स्कूलों की 250 छात्राओं ने भाग लिया। 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्कूली छात्राएं विभिन्न खेलकूद, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन तथा अन्य स्पर्धाओं में अपना जोहर दिखा रही हैं। तीसरे दिन हुए मुकाबले में कबड्डी के सेमीफाइनल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिपुरधार ने पुनर्धार को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भलाड भलोना ने भवाई को हराकर फाइनल में जगह बनाई। खो खो के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में रजाना ने देवामानल को हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में सांगना सताहन ने भवाई को हरा फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं खेल प्रभारी DPE मधु पुंडीर ने बताया कि अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन आज रविवार को किया जाएगा। मतदान वाली स्याही उंगली में लगाई थी, इन्फेक्शन हो गया तो काटनी पड़ी। आपने चुनावी दिनों में अक्सर देखा होगा कि चुनाव आयोग सहित तमाम सरकारी विभाग व गैर सरकारी संस्थाएं किस तरह जनता को मतदान के लिए जागरूक करती है। लाखों करोड़ों रुपए मतदान जागरूक अभियान के तहत खर्च होते हुए भी अक्सर आप सभी ने देखे ही होंगे, मगर सूबे के जिला मंडी से सामने आ रहे एक अजीबोगरीब मामले में सबको सकते में ला दिया है। बताया जा रहा है कि बीते नवंबर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक व्यक्ति द्वारा मतदान करने के बाद उसकी अंगुली पर लगाई गई स्याही के कारण अपनी 2 अंगुलियां कटवानी पड़ी है। मिल रही जानकारी के अनुसार प्रदेश के जिला मंडी के तहत आते विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर की लंगेहड़ पंचायत के एक शख्स को नवंबर 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए मतदान की कीमत एक नहीं बल्कि अपनी 2 अंगुलियों को कटवाकर चुकानी पड़ी है। अपने आप में यह हिमाचल प्रदेश में घटित होने वाला पहला मामला बताया जा रहा है। मतदान के दौरान अंगुली पर लगाए जाने वाली इंडेलिबल वोटर इंक की वजह से मतदाता को अपनी 2 अंगुलियां गंवानी पड़ी। अंगुली गंवाने वाले धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लंगेहड़ गांव के 40 वर्षीय संजय कुमार ने बताया कि बीते नवंबर 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उन्होंने भी मतदान किया और मतदान के 15 दिन बाद उंगली में दर्द और कालापन आने लगा। इस पर वह इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने संजय को बताया कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, अगर समय रहते अंगुली नहीं काटी तो इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से इस इंक के इस्तेमाल को पूरी तरह से सेफ बताया गया था, मगर धर्मपुर के रहने वाले संजय को इंक लगाने के बाद ही इन्फेक्शन हुआ था।